रविवार सोमवार के दरमियानी रात एक कार दुर्ग के शिवनाथ नदी में समा गई। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर सुबह 6 बजे पुलिस और एनडीआरएफ की टीम नदी में सर्चिंग कर रही है, पर अभी तक न कार का पता चल सका है और न उसमें सवार लोगों का। गौरतलब है कि रविवार देर रात 12:30 बजे एक कार अंजोरा की तरफ से दुर्ग की ओर आ रही थी। कार ब्रिज से न जाकर सीधे नदी की ओर जाने लगी। नदी में बाढ़ होने की वजह से पुलिस ने वहां बैरिगेट्स लगा कर रखे हुए हैं, जिससे कि कोई नदी की तरफ ना जा सके। घटनास्थल से कुछ दूर ईंट भट्टा बनाने वाले रहते हैं। उन्होंने बताया कि कार बैरिगेट्स के पास कुछ समय के लिए रुकी, इसके बाद कार से 2-3 लोग उतरे। उन्होंने बैरिगेट्स को हटाया और कार को नदी में घुसा दिया। नदी में बाढ़ होने की वजह से कार उसमें बहती चली गई। नदी में कार बह जाने की सूचना लोगों ने डायल 112 को दी। इसके बाद पुलगांव पुलिस और एसडीआरएफ दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची। रात में काफी देर सर्च करने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चल सका। जैसे ही सुबह हुई, तड़के से ही गोताखोरों की टीम बोट लेकर नदी में उतर गई। अभी तक न तो कार के बारे में कुछ जानकारी मिली है और न ही कार में सवार लोगों के बारे में जानकारी मिली है। ये नदी में 4-चक्का वाहन गिरने की खबर आई थी, उस पर से हमारी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, तब से रेस्क्यू टीम लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी लगी है, रात से लगे हुए हैं। सवेरे सघन तलाश जारी है। अभी गाड़ी का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कार है इतना बता रहा है जो इसने खबर किया था, वो निषाद परिवार वाले ने, और अभी क्लियर नहीं है कितने लोग हैं उसमें। रात को सर अचानक टकराने की आवाज़ आई 11:30 बजे करीब, और हम लोग हाथ पैर धोने आए थे। घर में सांप घुसा था, उसको निकाले, उसके बाद हाथ पैर धोने आए थे तो अचानक टकराने की आवाज़ आई। तो ऊपर ब्रिज के ऊपर देखे, क्योंकि अक्सर वहीं पर टकराने की आवाज़ आता रहता है, और ये तो दोनों बैरिकेड लगा हुआ था, तो इसमें ध्यान ही नहीं गया। जब तक उधर से इधर आते तब तक गाड़ी आगे जाके बहते हुए नज़र आया, इंडिकेटर जलते हुए, तो हमको लगा कि हाँ कार ही छह बह रहा है, और बचाने का कोई आवाज़ भी नहीं आया। तो हम लोग पीछे दौड़े, और दौड़ जाते जाते तक के वो गाड़ी वहाँ रिवर उर के आगे तक का डूब गया था। क्या बैरिगेटिंग लगी हुई थी? हाँ सर, बैरिगेटिंग लगी हुआ थी। उन लोग हटाए होंगे ना, हटा के ही घुसे हैं, क्योंकि दोनों तरफ 4:30-5 बजे लग गया था बैरिकेड।